कौमी असेंबली में हंगामा राय करने वालों के खिलाफ स्पीकर का बड़ा एक्शन। अली नवाज ऐवान, अब्दुल मजीद खान न्यासी, फहीम खान, शेख रुहेल असगर, अली गौहर, चौधरी हामिद, आगा रफीउल्लाह के ऐवान में दाखिले पर ताहुक में सानी पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का शिकार अराकीन में पीटीआई और नून लीग के तीन तीन, पीपल्स पार्टी का एक रुकन शामिल है। स्पीकर असद कैसर का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, झगड़ा और अराकीन के खिलाफ कार्रवाई से आगाह किया। तीनों रहनुमाओं का ऐवान का माहौल साजगार बनाने पर इत्तेफाक। पार्लियामान की तौकीर हर हाल में मुकदम रहनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का स्पीकर से मुकालमा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में एपीपी वफद की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्लियामेंट में हंगामा आरई पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं कल के वाके से जगहसाई हुई, वजीरों का रवैया सब ने देख लिया। बिलावल भुट्टो बोले शहबाज शरीफ के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया उससे वजीरों की क्या इज्जत रह गई। इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। मुजाहरीन का 25% अलाउंस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान और बरतानिया के शहरियों ने एक साल में 3.7 अरब डॉलर्स भेजे। दोनों मुल्कों के शहरियों के दिलों में दोस्ती है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का खानदानी तरसीलात जर के आलमी दिन पर ट्वीट। और सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान फिर एफबीआर के रिडार पर। राहत फतेह अली खान को 12,47,000 रुपए का टैक्स जमा न करवाने पर नोटिस।